कितना जाम लगा हुआ है देखो, लेकिन पम्मी को लेकर जाना बहुत जरूरी है। फ्रेंड हम लोग हॉस्पिटल आ गए हैं। ये फ्रेंड अंदर से ऐसा बना हुआ है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत करता हूँ फ्रेंड मेरे एक और नए ब्लॉग में। कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए। मैं भी एकदम ठीक हूँ। आज का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है फ्रेंड, पर घर वाले अच्छे नहीं है, ना ही मैं अच्छा हूँ, क्योंकि पम्मी को लेकर बहुत ड्रामे चल रहे हैं अभी। और ये देखो, ये वहाँ पर थी फ्रेंड, वहाँ पर थी, और ये लुढ़काती लुढ़काती इधर तक ले आई। इधर अम्मा ने मुझे दुखी कर दिया। पर कहाँ से लेता हूँ रोज की 10 रुपए ग्लिप्स। ये है, ये अपने राम कथक बकरी है। खराब हो गई है एक, इस वाली आँख में ज्यादा परेशानी हो रही है। ये ना खुजाली मैंने तो उससे ज्यादा हो गई। अभी एक दावत है तो ये लोग जा रहे हैं दावत खाने, मैं भी जा सकता हूँ। वैसे अभी मेरा मन है नहीं जाने का। और ये बैठ गई है, आज अम्मा ने नई धोती बांधी है। हेलो हेलो बच्चों। और इन्हें तो कभी कपड़े मिलते ही नहीं पहनने के लिए। अजीब सी लग रही है, पट्टी करवा ली तो। इसे पट्टी करवा ली। अरे ये चूड़ी, दो दो चूड़ी पहनने के लिए तुमने नई धोती बांध रखी है जी। यही ठीक है था। ये ठीक ना, और पहन लो दूसरी वाली जो मैं लिखाया था, उन्होंने वाली पहन लो ना। ये फ्रेंड ऐसा करती है। अरे पहन लो ना, जब रखी है तो ये अच्छी लग रही ना। वहाँ पर दावत खान जा रही हूँ तो सभी जा रहे हैं ना। ठीक से जाओ और यार चश्मे लगा लो, ये वाले ना मैं ना लगा रही ना। चलो चूड़ी पहन लो फ्रेंड। अम्मा के लिए याली जो चूड़ी लेकर आया था, याली पहना देता हूँ। मेरा नाखून देखो कैसा हो गया। लो याली पहन लो, पहन लो। इन्हें उतार दे, तुमसे ना पहन जानती। फ्रेंड याली तोड़ देता हूँ। अरे ऐसे ना उतरने की, अम्मा टाइट है तो ऐसे उतर जाएंगी। बोलो तो तुम बहुत हो। बोलो क्या, जो उतार फिर हाथ दुखेगा तो। फ्रेंड ये अम्मा के लग गई चोट। अब हम जा रहे हैं दावत खाने। उधर अवनी है और इधर अम्मा और इधर चंचल दीदी। ये ना कुर्सी दूसरे पे कोई नहीं है। हाँ तुम तो ऐसे करो हमेशा। चलो सब गई, चलो 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 चलो। फ्रेंड हम लोग होटल में आ गए हैं, घर के तो मयूरी से आ रहे हैं। और ये मैं अपने फ्रेंड के साथ आ गया हूँ। और ये देखो फ्रेंड, सूरजमुखी रेडीमेड मतलब है, पर लग एकदम नेचुरल रहा यार। मिला जलावा डोसा, एक खाली प्लेट लेकर घूम रही है, बस इन्हें कुछ मिल नहीं रहा। ये जलावा से मत खाओ। अम्मा लाइन में लगना पड़ा है पहले, लाइन में लगना पड़ा है पहले। आइसक्रीम खा रही अम्मा। फ्रेंड जो उधर आलू टिक्की समोसे में लगे पड़े थे, और जो असली माल है वो इधर की तरफ था। ये रसगुल्ले रसगुल्ले तो इन्होंने खाए नहीं अभी तक। तो खा रहे हैं आलू बच्चे, आ जाओ दावत में। आज अम्मा के मजा आ रहे हैं, दावत खा रही है फ्रेंड। फ्रेंड ये नाजिम की भांजी आ लिया, इधर देख तेरी वीडियो बना रहा हूँ मैं। ठीक है क्यों पानी अभी बनाऊंगा मैं तो। ये जितने बच्चे हैं ये नाजिम के भांजी भांजे हैं। आलिया की ड्रेस अच्छी लग रही है। कौन लगाया आलिया तेरे कपड़े? कौन लगाया तेरे कपड़े? पोपी अच्छे लगे हैं तो कपड़े तो। खाना खा लिया तूने? क्या क्या खाया? सबसे अच्छा क्या लगा तुझे आज?
करता है ना ऐसे खा लिया, पेट तो थक गया ना। फ्रेंड दावत खा के तो हम आ गए हैं, लेकिन पम्मी की हालत जो है ना बिगड़ती जा रही है, उसकी स्किन पे ना पस चलने लग गया है। तो अब मुझे ये, अभी तक मैं जाता था जो शहर का एक ब्लॉक होता है ना, जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे, पर वहाँ पे भी दवाई बाहर के लिए लिखते थे, तो बाहर से लिखा था। लेकिन अभी मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ जहाँ एक अभी गजरौली के अंदर एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे पम्मी को लेकर जा रहे हैं। फ्रेंड देखते हैं वो लोग क्या बताते हैं। ये देखो फ्रेंड, इसकी ना पीठ पे बहुत ज़्यादा जख्म हो गए हैं, खुजा खुजा के सब में रेडनेस हो गई है। अब मुझे डर है कहीं टाइटनेस ना बन गई हो, इसलिए फ्रेंड इसको मैं हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा मुझे। चंचल दी से मैंने थोड़े पैसे उधार लिए हैं, तो उनके तो मैं दे ही दूंगा। इतनी भीड़ लगी हुई है, कितना जाम लगा हुआ है देखो। लेकिन पम्मी को लेकर जाना बहुत जरूरी है। रोड क्रॉस कर ली और पम्मी आगे आगे जा रही है, सामने अरविंद खड़ा हुआ है। आज तो ऐसी आ गई है, आज तो ऐसी आ गई। ये लेके आया ना फ्रेंड, हम लोग हॉस्पिटल आ गए हैं। ये देखो मायोपैथ पैट क्लिनिक है, और पम्मी ऐसी बैठ के आई है पूरी बाइक पे। ये फ्रेंड अंदर से ऐसा बना हुआ है, यहाँ हम देख सकते हैं। फ्रेंड यहाँ पे सर देख रहे हैं ये पम्मी को क्या हुआ है। अभी क्या हमने इसमें बीटाडीन लगाया था, तो उससे थोड़ा खुशक तो लग रहा है। ये ना ऊपर पपड़ी सी जम रही है इसके, और ऐसे ही खुजाब होत रही है अपनी स्किन को। इसे देख देख के हम परेशान हैं, खाना पीना भी नहीं खा पा रहे हम। ये ऐसी अब जैसे ये जमा हुआ है ना, इसके अंदर पस बन जाएगा। ऐसे यहाँ पे ऐसे ही हुआ था। कब से हो रहा है ये? जब से इसको बाल हटाए ना तब से ही है। हाँ फ्रेंड इसका वजन तोलते हैं, डॉक्टर साहब ने बोला कि वजन तोलो 4800 है। ये एक ही हिस्सा देना है इसका, तीन हिस्से में से। ये जो इन्फेक्शन इसको हो रहा है ना, इसके द्वारा। अच्छा अच्छा, ये पानी है इसमें, ये तुम इसमें मिला लेना। अच्छा, और इसको दिन में दो बार दो सुबह शाम। हाँ 4800 दो बार सुबह शाम। कितना मतलब स्पून से देना, कैसे स्पून देना या एमएल सिरिंज लेना? सर ने बहुत अच्छे से देखा हमारी पम्मी को, और इतनी अच्छे से पूरा बातचीत की, और उन्होंने दवाई बहुत अच्छी दी। और एक चीज़ बहुत अच्छी सर ने बोली है, जो अभी आपके सामने बोलेंगे सर, एक बार फिर से आप बताइए। जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, इंडियन ब्रीड डॉग होते हैं, वो अगर यहाँ से गजरौला के आसपास किसी को भी मिलते हैं, किसी को चोट लगी हुई है, बीमार है, तो उसका ट्रीटमेंट हमारे यहाँ फ्री किया जाता, उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता। थैंक यू सर। बाकी फ्रेंड मैं आपको एड्रेस बता दूंगा सर का, जो क्लिनिक है। उनके पास भी एक डॉग है लेब्रा, काफ़ी डेंजर है। तो फ्रेंड आप लोग जिसको भी जरूरत हो यहाँ पे आ सकते हो आसपास से। जैसे भी अभी आपने के सामने बताया सर ने कि जो ये इंडियन डॉग जो होते हैं इनकी फ्री इलाज करेंगे। तो थैंक यू सर, आप इतना बोला आपने वो कर रहे हो, इतना कोई नहीं करता है वरना, है ना। फ्रेंड ये दवाइयाँ ले ली हैं, और सर ने बहुत अच्छे से पम्मी को देखा है, और इनका मुरादाबाद में भी बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ऐसे बताया मुझे। फ्रेंड दवाई तो लेके आ गए हम घर पे, और मेरी आँख में ना बहुत परेशानी हो रही है। मैं पम्मी को नहाता धुलाता हूँ ना, तो उससे लग रहा है मेरी आँखों में इन्फेक्शन ना हो जाए कहीं। ये देखो फ्रेंड कितनी लाल हो रही है, दिख रही है ना। फ्रेंड अब आँखें थोड़ी ठीक है, दवाई डाल ली थी मैंने, और पम्मी के लिए खाना भी लगा दिया है। ये दूध में डाल दिए मैंने, वही देखते हैं खाएगी कि नहीं खाएगी। मैं ये लो बेटा, इसके बाद दवाई भी देनी है। फ्रेंड खा तो रही है। अरे दादा यहीं बैठ जाता हूँ मैं भी। अब खा रही है, थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, क्योंकि खा नहीं रही थी कुछ। उधर फ्रेंड खाना पीना बन रहा है, आज बिल्कुल साम नहीं बन रहा फ्रेंड, आज चूल्हे पर नहीं बन रहा खाना, आज दीदी ने गैस पर बनाया। ये पम्मी की फ्रेंड दवाइयाँ हैं, अभी पहले ये खा ले उसके बाद देखता हूँ। इधर का हेलो कर दे। आज अरविंद ने भी बहुत मेहनत कर रहे हैं ये फ्रेंड। गुड गर्ल फ्रेंड, देखो आज तो पम्मी ने पूरा फिनिश कर दिया है। फ्रेंड ये सूखी द पाउडर है, इसके अंदर ये वाला पानी मिलाना है, मतलब ये सिरप बनानी है पूरी, और तब पम्मी को ये 1.5 ml देनी है। पम्मी ले, रुक रुक रुक। फ्रेंड अभी टैबलेट और देनी है, ये तो दे दिए टैबलेट, अभी 10 मिनट के बाद देनी है।
फ्रेंड मैंने भी खाना पीना खा लिया और पम्मी ने भी खा लिया। इधर अम्मा पम्मी के चारों तरफ घूम रही है, क्या परेशानी है बोलो? बेचैन है बेचारी, बहुत बेचैन है। तो तुम अपने दरवे में जाओ ना फ्रेंड, अम्मा की मच्छरदानी लग जाती है। अरे गर्मी के मारे लेके क्या खाया आज तुमने? आज दावत खाई वहाँ पर। अब क्या खाया शाम के टाइम? लौकी या चने की दाल खाई। इधर फ्रेंड मेरा बिस्तर हो गया और अब मुझे लगता है फ्रेंड शायद पम्मी थोड़ी सी सही हो जाएगी, क्योंकि दवाई अच्छी दी है आज डॉक्टर, हमें अच्छे मिल गए थे। फ्रेंड अब लेट गए अपनी खाट पर, उधर अम्मा अपनी खाट पर लेट जाएगी, बाकी तो लोग सब अंदर है। फ्रेंड कुछ लोगों का कहना है कि मतलब भैया आप QR कोड लगा दो, हम पम्मी के लिए हेल्प कर देंगे। मैं सच बताऊँ तो जिस दिन मेरे पास एक रुपया भी नहीं होगा ना फ्रेंड, मैं उस दिन ज़रूर आप लोगों से हेल्प लूँगा, क्योंकि आप मेरे अपने हो। सच में कमेंट में बताए, कई लोग बोलते हैं भैया हम आपके अपने हैं, आप हमारे अपने हो, हम पम्मी के लिए करना चाहते हैं। तो बिल्कुल मैं कभी मना नहीं करूँगा आप लोगों से, पर अभी जितना मैं कर सकता हूँ फ्रेंड इतना तो कर लूँ ना। आप कर्जा कार कार के लगा रहा कोई बात नहीं, एक टाइम पे सब सही हो जाएगा। और आप लोग बस ऐसे ही मेरे साथ रहिएगा, देखिएगा पम्मी की जर्नी कैसी है आगे की, कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, जो भी है मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा। फ्रेंड अभी ये ब्लॉग यहीं पूरा कर लेता हूँ, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना सब्सक्राइब कर लेना।